नमस्कार, आप देख रहे हैं इन खबर। कोरोना ने न जाने कितनी जाने ले ली और ये सिलसिला थम नहीं रहा। इस बीच राजस्थान के पाली जिला मुख्यालय से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर आबाद खाडा गांव में कोरोना महामारी के इस दौर में मौतों का आंकड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ग्रामीणों की माने तो पिछले 40 से 45 दिनों में गांव में 20 से 25 मौतें हुई, जिसमें कई युवा भी शामिल है। जब मौतों का सिलसिला नहीं रुका तो ग्रामीणों ने धार्मिक मान्यता के तहत गांव में आधी रात को ढोल थाली के साथ गांव के चारों तरफ भगवान हनुमान जी व भैरू जी की लक्ष्मण रेखा खींची। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से गांव में महामारी नहीं टिक पाएगी और मौतों का सिलसिला रुक जाएगा। ग्रामीणों की इस धार्मिक मान्यता को आस्था या अंधविश्वास कहें, लेकिन महामारी के इस दौर में लोग तरह तरह के जतन करके महामारी भगाने में भगवान को खुश करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि ऐसा करने से महामारी रुकती है तो हमें मरीजों को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना पड़ेगा। पूरे देश में कोरोना से इतनी मौतें नहीं होती, लेकिन हकीकत यह है कि खाडा में पिछले कुछ दिनों से हुई लगातार मौतों से कई घरों में शोक और मातम पसरा हुआ है। किसी ने अपने पिता को खोया तो किसी ने भाई बहन को खो दिया। खाडा गांव में ग्रामीण द्वारा रात के अंधेरे में धार्मिक आस्था के चलते इस तरह की लक्ष्मण रेखा खींचने का वीडियो आज शुक्रवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जो शहर भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दें, कुछ दिनों पहले अकेली गांव में भी इस तरह की लक्ष्मण रेखा रात के अंधेरे में खींचने का वीडियो वायरल हुआ था। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पिछले कुछ दिनों में 25 से अधिक मौतें हुई। इतनी मौतें होने से पूरा गांव शोक में है और इसलिए ग्रामीणों ने धार्मिक मान्यता के तहत लक्ष्मण रेखा खींचने का कार्यक्रम रखा, तो इस तरह से लोग मौत से डर कर तरह तरह के तरीके आजमा रहे हैं ताकि वो कोरोना से वो बच सके और उनके अपने बच सके। आगे के अपडेट पर रहिए हमारी नजर, आप देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।